तो हेलो गाइस, आपका स्वागत है एक और नए वीडियो में। तो आज हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं 5407 बैंडस्टैंड पियानो कीबोर्ड की। इस वीडियो में हम इस पियानो के बारे में सारी डिटेल्स जानेंगे, साथ ही इसका टेस्ट भी करेंगे और इसके सारे फीचर्स के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा और साथ ही इस वीडियो के एंड में इसके प्राइस के बारे में बताऊंगा। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब भी जरूर करिए। तो चलिए बिना देरी करते हुए इस पियानो की अनबॉक्सिंग को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए कुछ इस तरह के बॉक्स में ही आता है और बॉक्स पर आपको मॉडल नेम, ब्रांड नेम, सारी डिटेल्स यहाँ पर दी गई हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर इसके कुछ स्पेसिफिकेशंस भी दिए गए हैं, तो इसके बारे में मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए सबसे पहले इसे ओपन करते हैं। तो यहाँ पर देखिए बॉक्स खोलने पर इस साइड आपको ये माइक्रोफोन मिलता है, कुछ इस तरह का माइक्रोफोन आपको मिलता है। इसे आप इस पियानो में अटैच कर सकते हैं और पियानो प्ले के टाइम इसके जरिए आप गा भी सकते हैं। तो इसे कनेक्ट करके मैं आगे दिखाऊंगा, तब तक के लिए इसे नीचे रखते हैं और देखते हैं हमें क्या मिलता है। और देखिए इस बॉक्स के इस तरफ आपको ये पावर अडेप्टर मिलता है, इससे आप इस पियानो को पावर दे सकते हैं। ये पियानो सेल से भी ऑपरेट होता है और ये पावर अडेप्टर से भी होता है। तो देखिए कुछ इस तरह का पावर अडेप्टर आपको मिलता है। तो चलिए इसे नीचे रख देते हैं। तो चलिए आप पियानो को बाहर निकालते हैं। तो ये देखिए ये रहा पियानो और देखिए यहाँ पर आपको एक यूजर गाइड भी मिलता है, ये चाइनीज में है। तो चलिए इसे नीचे रख देते हैं और आप पियानो पर लगा हुआ ये रैपर हटा देते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं बिल्ड क्वालिटी और डिज़ाइन की। तो बात करें डिज़ाइन की तो ये पियानो मीडियम साइज़ का है, इससे बड़े भी आते हैं और इससे छोटे भी आते हैं और इसमें आपको टोटल 54 कीज़ मिलती है और इन कीज़ की क्वालिटी भी अच्छी दी गई है। साथ ही इस पियानो की बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो वो भी अच्छी है। इसमें बहुत ही स्ट्रांग प्लास्टिक मटेरियल दिया गया है, आप खुद देख सकते हैं, और इसका कलर सिल्वर है और इसके दोनों साइड आपको दो स्पीकर दिए गए हैं और ऊपर सारे इसके फंक्शंस कीज़ दी गई है और साथ ही इसके पीछे आपको इसके सारे पोर्ट्स दिए गए हैं। यहाँ पर देखिए ये पोर्ट हेडफोन के लिए है, एक पोर्ट ऑडियो इन के लिए है और एक पोर्ट माइक के लिए है और साथ ही यहाँ पर ये पावर अडॉप्टर के लिए पोर्ट दिया गया है और इसमें यूएसबी पोर्ट के लिए जगह दी गई है, इसमें आपको यूएसबी पोर्ट नहीं मिलता। और इसके पीछे आप यहाँ पर इसके बैटरी सेल्स डाल सकते हैं जिससे कि आप इसे बिगर पावर अडॉप्टर के भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए आप इसे ऑन कर लेते हैं। इसे ऑन करने के लिए सबसे पहले पावर अडॉप्टर को इसमें लगाना पड़ेगा। देखिए कुछ इस तरह से पावर अडॉप्टर को इसमें लगाना है। तो ये आप ऑन करने के लिए तैयार है। सिंपली ऑन करने के लिए यहाँ पर ये रेड बटन दिया गया है, इसे आप इसे ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो चलिए इसे ऑन कर देते हैं। देखिए ये ऑन हो चुका है, इसका डिस्प्ले भी ऑन हो चुका है और यहाँ पर देखिए एक कीज़ भी काम कर रही है। तो चलिए आप इसके फीचर्स के बारे में जान लेते हैं। यहाँ पर देखिए हमें इसका डिस्प्ले देखने को मिलता है, इसमें हमें कुछ बेसिक चीज़ें दिखती है जैसे कि देखिए यहाँ पर हमें एक कीज़ मिलती है, जैसे कि यहाँ पर देखिए जैसे हम कीज़ प्रेस करेंगे यहाँ पर हमने कौन सी की प्रेस की है ये यहाँ पर शो होगा और यहाँ पर ऊपर हमें टेम्पो, उसके बाद कौन सी टोन या रिदम सेलेक्ट है वो, और उसके बाद वॉल्यूम कितना है वो, ये तीनों डिटेल्स यहाँ पर ऊपर दी गई है। और यहाँ पर पियानो के ऊपर हम देखें तो हमें इसमें 100 टोन्स मिलती है जो कि यहाँ पर लिखी है और उसके नीचे जो कीज दी गई है उसमें आपको लेसन ए और बी और उसके नीचे सॉन्ग्स और ड्रम की कीज मिलती है। और यहाँ पर जो कीज दी गई है उसमें आप वॉल्यूम अप और डाउन कर सकते हैं और उसके साइड में आपको कॉर्ड वॉल्यूम और रिदम वॉल्यूम की कीज मिलती है और साथ ही इसके नीचे आपको प्रोग्राम और रिकॉर्डिंग की कीज मिलती है, इस बटन से आप उसे प्ले और स्टॉप कर सकते हैं। और डिस्प्ले के नीचे जो कीज मिलती है उसमें ये जो सिंगल लिखी हुई की है उससे आप वन फिंगर से ही इस पियानो को प्ले कर सकते हैं और यहाँ पर जो फिंगर वाली कीज दी गई है उससे आप मल्टीपल फिंगर से ही इसे प्ले कर सकते हैं। और उसके साइड में आपको सस्टेन की मिलती है और यहाँ पर आपको वाइब्रेटो और इको की मिलती है। और उसके नीचे जो ये कीज दी गई है इसमें आपको इफेक्ट मिलते हैं, देखिए कुछ इस तरह के। और यहाँ पर आपको म्यूजिक स्टार्ट एंड स्टॉप का बटन मिलता है और यहाँ पर जो नंबर कीज दी गई है वो टोन्स और रिदम सेलेक्ट करने के लिए है, आप कौन सी टोन और रिदम सेलेक्ट करना चाहते हैं वो यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। इसमें आपको 100 रिदम भी मिलती है जो कि यहाँ पर ऊपर लिखी हुई है, देखिए आप रिदम को इन की के जरिए सेलेक्ट कर सकते हैं, देखिए कुछ इस तरह से। और नीचे आपको प्लस माइनस का बटन मिलता है जिससे कि आप टोन से या रिदम को आगे पीछे कर सकते हैं।
और ये जो चार कीज दी गई है उसमें आप ऊपर वाली से टोन्स और रिदम सेलेक्ट कर सकते हो और नीचे वाली से डेमो सेलेक्ट कर सकते हैं। इसमें आपको डेमो भी मिलते हैं। और यहाँ पर नीचे वाले से प्लस माइनस करके आप टेम्पो एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये थे कुछ इस पियानो के फीचर्स। अब मैं आपको इसमें माइक कनेक्ट करके दिखाता हूँ और इस माइक का टेस्ट भी करेंगे हम। तो देखिए कुछ इस तरह से इसके बैक साइड में आपको यहाँ पर इस माइक वाले पोर्ट में इसे कनेक्ट करना है, जैसे कि ये माइक इसमें कनेक्ट हो जाएगा। देखिए ये इसमें कनेक्ट हो चुका है। अब इसे टेस्ट करते हैं। हेलो। आपने खुद सुना कि इस माइक से कैसे आवाज आ रही थी। इसकी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं कह सकते हम, पर ठीक ठाक क्वालिटी है। तो चलिए हमने इस पियानो के बारे में सारी डिटेल्स तो जान ली है। अब मैं आपको इसे प्ले करके दिखाता हूँ। तो चलिए मैं इसमें एक आपको बर्थडे ट्यून प्ले करके सुनाता हूँ। तो मैंने इसे प्ले करके देख लिया और आपने भी इसकी टून सुनी। बहुत ही अच्छी क्वालिटी का ये पियानो है। इसे सुपर तो नहीं कर सकते पर अच्छी क्वालिटी का है। ये पियानो बेसिकली किड्स और बिगिनर्स के लिए है, जो कि पियानो में अभी शुरुआत करना चाहते हैं या फिर वो बच्चे जिन्हें पियानो पसंद है वो इसे खरीद सकते हैं। तो चलिए आप बात करते हैं इसके प्राइस की। तो इसकी प्राइस 2400 से लेकर 2600 तक ऊपर नीचे होती रहती है। तो नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दे दूंगा, आप वहाँ जाकर चेक करिए कि इसकी प्राइस करंट क्या चल रही है, और अगर आपको पसंद आता है तो आप वहाँ से बाय भी कर सकते हैं। तो बस दोस्तों यही था इस पियानो की अनबॉक्सिंग का वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो हमें लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, और ये पियानो आपको कैसा लगा ये हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो मिलते हैं कुछ इसी तरह के अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।